मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। अब जान का सबसे खराब रोग क्या है? मोटापा। मोटापा कम करना है तो भरपेट गुड़ खाइए, भरपेट तिल खाइए, भरपेट मूंगफली खाइए, मोटापा भी कम हो जाएगा। तो गुड़ खाइए, मेरा कहने का मतलब ये है। अब गुड़ के कितने प्रिपरेशन है हमारे घर में? गुड़ का तिल का प्रिपरेशन एक है, तिल पट्टी कहते हैं, गजक गजक, तो भरपूर गजक खाइए। क्यों खाइए जी? तिल है और गुड़ है, गुड़ में जो केमिकल है ऑर्गेनिक, तिल में लगभग वही सब है जो गुड़ में है। तिल भी क्षारीय है, गुड़ भी क्षारीय, और दोनों क्षारीय चीजें खाएंगे तो पेट के अम्ल को बैलेंस करती रहेंगी। तो तिल गुड़ रोज खाइए, माने तिल की पट्टी बनाइए, गजक बनाइए, नहीं तो तिल का लड्डू बनाइए, गुड़ के साथ बनाइए। फिर इसी तरह से मूंगफली है, मूंगफली भी क्षारीय है और गुड़ भी क्षारीय है, तो मूंगफली और गुड़ मिला के वो पट्टी आती है वो खाइए, बच्चों को खिलाइए। और आपके पास जो भी प्रिपरेशन है गुड़ तिल के, गुड़ मूंगफली के, वो सब बनाइए। और ये जो 3-4 महीने है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक, भरपेट खाइए, भरपूर खाइए, क्योंकि इस समय आपके शरीर को इन्हीं की जरूरत है। तो कफ जिंदगी से बहुत दूर रहेगा। तिल खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, कफ बढ़ने की बिल्कुल संभावना नहीं, तो जिंदगी में कफ के रोग आने की संभावना नहीं। अब जानते कफ का सबसे खराब रोग क्या है? मोटापा। मोटापा कम करना है तो भरपेट गुड़ खाइए, भरपेट तिल खाइए, भरपेट मूंगफली खाइए, मोटापा भी कम हो जाएगा। आपको डर है ना, तिल खाएंगे जी उसमें से तेल है, तेल तो है तिल में, लेकिन वो HDL वाला, LDL वाला नहीं है, VLDL। ये मोटापा जो है ना वो VLDL और LDL का चक्कर है। HDL जैसे ही बढ़ेगा मोटापा अपने आप कम होगा, पेट अंदर ही जाएगा। आप में से कोई भी मेरे कहने पर 3 महीने एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, तिल चबा चबा के खाइए, खाने के बाद 3 महीने के बाद वजन नापेंगे, 8-10 किलो कम मिलेगा, कम से कम इतना कम मिलेगा। खाना खाया, खाने के बाद आप सौंफ खाते हैं ना, सौंफ की जगह तिल खाइए, और काला खाया तो और ज्यादा वजन कम मिलेगा। काला तिल एक है, सफेद, काले की गुणवत्ता सफेद से भी ज्यादा है, लेकिन ये इन्हीं 4 महीनों में। गर्मी में अगर आपने यही तिल खाया तो प्रॉब्लम आएगी। भागवत जी कहते हैं कि तिल खाने का सबसे अच्छा समय वही है जो आज चल रहा है, ये फरवरी तक चलेगा, तो फरवरी तक, और कभी बहुत ज्यादा लिबरल हो तो होली के दिन तक वो कहते हैं तिल खाने का समय है। होली होते ही तिल कम करिए या खत्म करिए, फिर कुछ और चीज आएगी, वो क्या आएगी वो मैं बता दूं, लेकिन आप ये करके देख लीजिए, 4 चीजों को ज्यादा उपयोग आप करेंगे, वजन आपका कम होता जाएगा, पेट का अम्ल कम होता जाएगा, घुटनों के अंदर का जो कई बार कहते हैं ना डॉक्टर यूरिक एसिड जमा हो गया, जी यूरिक एसिड, यूरिक एसिड क्या है? अम्ल ही तो है। तो ये यूरिक एसिड आपको कम करना है, तो गांठ के सब जो माने जोड़ों के दर्द आपको कम करने हैं, तो इनके लिए ये सब चिकित्सा बताई है, तिल है, गुड़ है, और मैंने एक चीज बोली थी कि अगर आप जैन नहीं है तो शहद है। शहद में बागवत जी कहते हैं छोटी मधुमक्खी का शहद, बड़ी का नहीं, तो शहद लाएं तो उसको पूछ लीजिए। तो एक हिस्सा हो गया कफ का। देखिए इन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, दूध को बागवत जी ने बोला है शाम को ही पीना है। अब इनका प्रश्न यह है कि हम सुबह चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो दूध उसमें होता ही है, तो क्या करें? बागवत जी के किसी भी शब्दकोश में चाय भी नहीं है, कॉफी भी नहीं है, क्योंकि बागवत जी 3,500 साल पहले हुए। ये चाय कॉफी तो 250-300 साल पुरानी है, ज्यादा से ज्यादा 400 साल पुरानी। तो चाय कॉफी के बारे में उनका पूरा शास्त्र मौन है, माने कहीं एक भी सूत्र ऐसा नहीं है जहां चाय और कॉफी का जिक्र आता है। हाँ, काढ़े का जिक्र उन्होंने किया, काढ़ा आप समझते हैं जो रोज आप यहाँ पी रहे, काढ़े का जिक्र उन्होंने किया। वो ये कहते हैं कि जो काढ़ा आपके वात को कम करे, आपके पित्त को कम करे और कफ को कम करे, ऐसा कोई भी काढ़ा दूध के साथ मिलाकर सुबह पिया जा सकता है, कोई भी काढ़ा। जैसे आज आप काढ़ा पीने जा रहे हैं, वो अर्जुन की छाल का काढ़ा है। अर्जुन की छाल का काढ़ा आप जानते हैं वात को सबसे तेजी से कम करने वाला है। शरीर की जो एसिडिटी होती है ना, रक्त की एसिडिटी, एक होती है पेट की एसिडिटी, उससे भी ज्यादा खराब है रक्त की एसिडिटी। खून की अम्लता ही है जो हार्ट अटैक लाती है। तो रक्त की एसिडिटी को कम करने की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी चीज में बागवत जी ने बताई है तो वो अर्जुन की छाल है। तो आज आप काढ़ा पियेंगे अर्जुन की छाल का। और दुर्भाग्य से या सौभाग्य से ये कुछ ऐसा समय है, दिसंबर जनवरी और नवंबर, ये वात का ही समय है। शरीर में वायु का प्रकोप ठंड के दिनों में ज्यादा होता है, उस समय अगर आप अर्जुन की छाल का काढ़ा दूध में बनाकर पिए तो आपके लिए औषधि है जी।
नहीं नहीं गरम गरम गरम, क्योंकि वो औषधि है, भोजन नहीं है। भोजन और औषधि में अंतर बताया। भोजन वो है जो 24 घंटे में आप नियमित रूप से आपके पेट की आवश्यकता के अनुसार खाएं और सालों साल खाते जाएं। औषधि वो है जो थोड़े समय के लिए तात्कालिक प्रभाव के लिए आप पिए। तो ये काढ़ा औषधि है। सुबह के अगर समय नवंबर दिसंबर जनवरी, ये तीन महीने हैं जो वात के महीने माने जाते हैं, फिर गर्मियों के महीने पित्त के महीने आ जाते हैं, फिर बारिश के महीने और उसके आगे थोड़ा महीना कफ का महीना आ जाता है। तो ये वात पित्त कफ के महीने भी होते हैं, जैसे शरीर है वैसे महीने। तो इस महीने के हिसाब से सुबह काढ़ा पी सकते हैं, वात को दूर करने वाली औषधियों का दूध मिलाकर। और गर्म काढ़ा सभी गर्म है, ठंडा काढ़ा कोई है नहीं इस देश में, बनता भी नहीं। तो आप सुबह दूध पीना ही चाहते हैं तो काढ़े के रूप में पीजिए। माने सुबह दूध पीना ही है ना, तो उसमें अर्जुन की छाल का पाउडर डाल के पीजिए। तो दो फायदे होंगे भविष्य के लिए, आपको हार्ट अटैक फ्री होने की गारंटी भविष्य के लिए, और अब तक आपने जो कचरा खा लिया है इसके निकल जाने की गारंटी। क्योंकि ये जो अर्जुन की छाल का पाउडर है रक्त को सबसे ज्यादा शुद्ध करता है, और कचरा रक्त में ही सबसे ज्यादा जमा होता है। जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं ना, वो कचरा ही है। तो अब तक आपके रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल जमा है इसको निकालना है बाहर, तो अर्जुन की छाल इसमें सबसे ज्यादा उपयोगी है। और सौभाग्य की बात यह है कि 40 रुपए किलो मिलती है। क्या भाव? 40 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो अर्जुन की छाल मिलती है, और 150 रुपए किलो चाय मिलती है, और 1400 रुपए किलो कॉफी मिलती है, और 20 रुपए किलो अर्जुन की छाल मिलती है। तो कुछ तो होशियार बनिए, मारवाड़ी बनिए, कुछ तो अपने रक्त में लाइए मारवाड़ का, राजस्थान का, गुजरात का। तो 20 रुपए किलो की अर्जुन की छाल नियमित रूप से आप पीजिए। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि आप सब अपने घर में तीन महीने, ये जो नवंबर दिसंबर जनवरी, अभी तो दिसंबर पूरा तो निकल गया लेकिन जनवरी अभी बाकी है, तो 30 दिन आगे जनवरी के रोज सवेरे अर्जुन की छाल का पाउडर दूध में डालकर पीते रहिए। और अगले साल का याद रखिए, नवंबर दिसंबर जनवरी, तो ये तीन महीने अर्जुन की छाल पिया तो पूरे साल भर का कचरा निकालता है, और अगले सालों की गारंटी हार्ट अटैक फ्री। क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए? एक गिलास दूध तो आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर, आधा चम्मच माने टी स्पून, और इसमें अगर गुड़ मिलाएंगे तो बहुत अच्छा। गुड़ नहीं मिले तो एक गुड़ जैसी चीज आती है काकवी, काकवी आप समझते हैं। गुड़ को बनने से पहले की स्टेज है, वो तरल गुड़ होता है, तरल गुड़, लिक्विड फॉर्म का गुड़, वो काकवी कहलाता है। तो या तो काकवी या तो गुड़, नहीं मिले तो खांड, खांड आप समझते हैं, और कुछ भी नहीं मिले तो बूरा, शक्कर नहीं, क्योंकि बागभट्टी जी की सूची में कहीं शुगर नहीं है, क्योंकि शुगर बनती नहीं थी। 3500 साल पहले गुड़ बनता था, काकवी बनती थी, खांड बनती थी, बूरा बनता था। चीनी बनना 200-250 साल से शुरू हुआ है। जी जी मिश्री, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने कहा, मुझे भूल गया, मैं आपसे पहले ही कहना चाहता, मिश्री मिठाइयों में मिश्री सबसे ऊंचे स्थान पर है, गुड़ से भी ऊंची है मिश्री। तो मिश्री मिले शुद्ध तो वो डालिए आपके अर्जुन की छाल और दूध के काढ़े में, नहीं तो गुड़ डालिए, नहीं तो काकवी डालिए, नहीं तो खांड डालिए, अंत में कुछ नहीं मिलता तो बूरा डालिए। और बूरा वो वाला जो राजस्थान में बनता है, बिहार में बनता है, उत्तर प्रदेश में, यहां का नहीं, चीनी को पीस के बूरा, वो चीनी ही है, बूरा नहीं। सोंठ है तो बहुत अच्छा है, सोंठ जो है अर्जुन छाल सोंठ अगर मिला के उपयोग करें तो सर्वोत्तम वातनाशक काढ़ा होता है, सर्वोत्तम। अर्जुन छाल और सोंठ दोनों का ही गुण है वात को खत्म करने का, तो वात के रोगी तो जरूर पिए इसको। और वात के रोग क्या क्या है आप जानते हैं?